अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है और अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है। ये दो वर्ड आपने सुने होंगे, लेकिन एक्चुअली इसके मतलब देखते हैं क्या होता है। ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेंगी, जिसमें से दो मशहूर हैं, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जिन पे आप एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हो। वो रूल हम फिर इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये काफी दो मशहूर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बाकी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, आपको गूगल में मिल जाएंगी बाकी कौन कौन सी हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और एक होती है अनडिफाइंड फॉर्म, जो कि आप लोग देखते हुए आ रहे हो, 1/0, इसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। इन शॉर्ट, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म है। फर्क क्या है इसमें? इनडिटरमिनेट फॉर्म उस मैथमेटिकल फ्रैक्शन को या उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी आपके पास लिखी हुई है, इनडिटरमिनेट आप उस वक्त बोलोगे जब उसके आंसर एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन एक से ज्यादा आंसर्स होंगे। आप एग्जैक्ट डिटरमिन नहीं कर पाओगे कि यार हमने कौन सा आंसर इसमें कंसीडर करना है। अब ये क्या बात हुई, एग्जांपल दूंगा। उसके बरक्स अगर आप अनडिफाइंड फॉर्म को देखो, अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब है कि जिसको आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। इनडिटरमिनेट के आंसर पॉसिबल है, लेकिन ज्यादा आंसर होते हैं, आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा। जबकि अनडिफाइंड फॉर्म का आंसर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, मतलब आप इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। अगर आपने डिफाइन किया तो आप मैथ के रूल्स को बेड़ा गर्क कर दोगे उनका। अब जरा देखते हैं इन दोनों बातों को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर और इसी एग्जाम्पल से दूसरा वाला सवाल मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा वाला सवाल क्या था कि 0/0 का आंसर 1 क्यों नहीं होता। 1 हो सकता है टेक्निकल तौर पे, आपने बचपन से देखा है जब दो नंबर्स को आप डिवाइड करो तो आंसर 1 के बराबर आता है। 2/2 1, 3/3 1, -3/-3 आंसर 1 होता है। तो इसी पैटर्न पे 0/0 भी 1 होना चाहिए। तो इसी बात को हम जरा समझते हैं। देखो, हर चीज को आप जैसे आपने डिफाइन किया, 2/3 जो है 0.666 है, 1/3 0.333 है, कोई भी एक डिफाइन एक नंबर आपको पता होता है किसी भी फ्रैक्शन के आंसर में। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं 0/0, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको आप फॉर एग्जांपल किसी नंबर के बराबर लेट कर लो कि इसका आंसर होगा। भूल जाते हैं अभी इसका आंसर 1 है या कुछ और है, हम कंसिडर कर लेते हैं 0/0 का आंसर क्या है, एक एक्स नंबर के बराबर है। आपको पता है आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, सॉरी दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करवा दो जीरो को। इन शॉर्ट मतलब इजी लैंग्वेज में 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से जाके, ये सिचुएशन बन जाएगी। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, ये इक्वेशन में आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। क्या मतलब? आप एक्स के अंदर यहां पे 1 पुट करो तो आपको पता है 1/0 क्या होता है, 0 के बराबर, तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। आप x की जगह यहां पे 2 पुट करो तब भी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। आप x की जगह पे यहां पे 3 पुट करो तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया कि x एक आंसर नहीं है। तो यहां से आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि आपको एक्चुअल आंसर नहीं पता कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करे। इसी तरह x 0 भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करो तो 0/0 भी क्या होता है, 0 के बराबर। इसका मतलब इस इक्वेशन को 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट होता है इंडिटरमिनेट फॉर्म का। आपको एक्चुअल आंसर नहीं पता कि आपने कौन सा कंसीडर करना है। आंसर होते हैं लेकिन एक से ज्यादा होते हैं, आप डिटरमिन नहीं कर सकते। इसी तरह इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, 0/0 लॉजिकली अगर आप बात करो, दो नंबर्स को अगर आप डिवाइड करोगे, सेम नंबर को अपने से डिवाइड करो, आंसर 1 आता है। इसी तरह आपने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर आप न्यूमरेटर में अगर 0 आ जाए तो आंसर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 0/2 कोई भी न्यूमरेटर में आंसर आ जाए वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे प्रूफ करवाया था कि x की वैल्यू 0 भी सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। इसी तरीके से आपने अभी ये मैंने एक अनडिफाइंड फॉर्म आपको बताई थी कि जब आपके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो आप 0/0 के बहुत आंसर लिख सकते हो, दैट्स वाई इसको आप इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हो। आप एक्चुअली डिटरमिन नहीं कर सकते क्या इसका आंसर है, दैट्स वाई आप लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। लिमिट हम इंशाल्लाह फिर कभी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दैट्स वाई 0/0 1 के बराबर नहीं है। 0/0 को आप इनडिटरमिनेट कहते हो, उसको आप लिमिट के जरिए से मालूम करते हो। वो हर सवाल पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें 0/0 की आप लिमिट के थ्रू सॉल्व करोगे आंसर 1 आ रहा होगा। किसी और तरीके से कोई और सवाल में लिमिट के सॉल्व करोगे 2 आ रहा होगा, 1.5 आ रहा होगा। तो वो एक्चुअल सवाल में हम लिमिट के जरिए से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आपने देख ली कि आंसर आते हैं लेकिन ज्यादा होते हैं। अब दूसरी चीज, पहले सवाल पे दोबारा आते हैं। पहले सवाल में मैंने बताया था कि डिफरेंस क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आपने देख ली। अब अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है? अनडिफाइंड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इसका एक आंसर भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर आप कोशिश करोगे तो मसला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 1/0 का कोई आंसर है, किसी नंबर के बराबर है, 1/0 किसी नंबर के बराबर है, उसको मैंने एक्स बोल दिया।
तो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जीरो मल्टीप्लाई होगा एक्स। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो, यहां पे x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इस इक्वेशन को। आप x यहां पे कुछ भी पुट कर दो, जब उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर वन नहीं आएगा। आपने ये बात बचपन से पढ़ी हुई है, जीरो को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जीरो आता है। तो यहां से आपने एक बात ऑब्जर्व की, अगर आपने वन अपॉन जीरो को किसी नंबर के बराबर ले लिया तो आप मैथ के रूल्स को डिसोबे कर दोगे। रूल मैथ का क्या कहता है कि जीरो मल्टीप्लाई एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो नॉट वन। तो दैट्स वाई आप इसको बोलते हो अनडिफाइंड फॉर्म, ऐसी फॉर्म जिसको आप डिफाइन, जिसका आंसर नहीं लिख सकते। तो ये तो मैंने एक सवाल, पहले सवाल का जवाब दे दिया, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म क्या होती है। दूसरे सवाल का जवाब दिया कि जीरो अपॉन जीरो का आंसर वन क्यों नहीं होता। और तीसरा सवाल मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि वन अपॉन जीरो को आमतौर पर टीचर्स इन्फिनिटी के बराबर लिखते हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल कैटेगोरिकली गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन जो टीचर वन अपॉन जीरो को इन्फिनिटी बोलता है उसको साथ पूरी बात बतानी चाहिए। पूरी बात यह है कि वन अपॉन जीरो कभी भी इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता, यह आप अपनी आसानी के लिए लिखते हो। अगर आप वन अपॉन जीरो को इन्फिनिटी लिखोगे तो फिर इन्फिनिटी को आप एक नंबर मान रहे हो, क्योंकि वन अपॉन जीरो किसी नंबर के बराबर आप कंसिडर कर रहे हो और वह नंबर आपने क्या लिया, इन्फिनिटी। जबकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ना रियल ना कॉम्प्लेक्स, कुछ भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ा नंबर, ये कोई नंबर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर आपने 1 अपॉन 0 को इन्फिनिटी के बराबर लिख दिया, अगेन वही रूल डिसोबे हो जाएगा। अगर आपने इन्फिनिटी को नंबर मान लिया तो अगेन वही चीज हो जाएगी, जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी का आंसर जीरो आना चाहिए टेक्निकल तौर पे, अगर आप इन्फिनिटी को नंबर मान रहे हो तो अगेन मैथ के रूल डिसोबे हो जाएंगे। तो 1 अपॉन 0 कभी भी किसी नंबर के बराबर नहीं होता, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता। तो फिर क्या होता है, 1 अपॉन 0 की जो लिमिट होती है वो आप इन्फिनिटी लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन x, इसका आंसर इन्फिनिटी होगा। अब क्यों इसका आंसर इन्फिनिटी होगा वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता, लिमिट के जरिए से आप इसका आंसर इन्फिनिटी लिखते हो। तीनों सवालों के मैंने जवाब दे दिए, अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।